नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति का खेल वाकई अजीब होता है। राजनीति वाकई क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल होता है। क्या अनिश्चितताएं हैं? कल भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, एनडीए की सरकार थी बिहार में। आज वही एनडीए सत्ता से बाहर है और रातोंरात अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो बीजेपी और जेडीयू कल तक सियासी दोस्त थे, कल सुबह तक वो शाम होते होते सियासी दुश्मन हो गए। और ये दुश्मनी किस हद तक निभाई जाएगी, उसकी एक वानगी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तेजस्वी यादव शायद डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। और बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर ली है, कैसे नीतीश कुमार से निपटना है, कैसे नीतीश कुमार से लड़ना है, भिड़ना है। तो कमाल की सियासत है बिहार की। कल तक साथ थे, साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और आज अलग हो गए। तो बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, ये तैयारी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। सुबह के तकरीबन 5:45 बजे हैं और ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, धरना देंगे। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया आरजेडी के साथ जाने का, उसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, सुनिए। नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, कैसे देख रहे हैं? हम तो नहीं थे बिहार में, हम तो कोटा से आए रात में, तो पता चला इस तरह की बात। तो ठीक किए गलत किए? क्या किए, तो सत्ता की बात है, ये तो नहीं बता सकते। सत्ता की बात है। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है तो ये पूरी तैयारी की गई है। ये मंच अभी बनाया ही जा रहा है, लाउड स्पीकर वगैरह लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता धरने पर बैठेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ। और कल से ये कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, धोखा दिया है। तो तैयारी पूरी है, तस्वीर आप देखिए, मंच तैयार। और सुबह 10 बजे से भाजपा के नेता धरने पर बैठेंगे। धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी होंगे और जिला मुख्यालयों पर भी भारतीय जनता पार्टी का धरना है नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ, नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने को लेकर। तो मंच तैयार हो रहा है और इसी मंच से नीतीश कुमार के खिलाफ हुंकार होगी, इसी मंच से नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के नेता दहाड़ेंगे और ये कहेंगे, ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने ठीक नहीं किया, नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया, नीतीश कुमार ने धोखा दिया, जो आमतौर पर वो कह रहे हैं, जो आमतौर पर कही जाती है इस तरह के सियासी घटनाक्रमों के बाद। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार नीतीश से भिड़ने के मूड में है। और दरअसल जो खेल हम खत्म समझ रहे हैं, वो हमें नहीं समझना चाहिए। खेल का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल अभी बाकी है और ये खेल होता रहेगा। अब भाजपा की तरफ से ये पहला खेल है धरना, इससे ज्यादा बड़ा खेल होगा या इसी तरह के खेल, इसी तरह के लड़ाई झगड़े बिहार की सियासत में होते रहेंगे, यह भी देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मोड में है, नीतीश कुमार के फैसले से जाहिर तौर पर नाराज है और देखना होगा क्या रंग होता है बिहार की सियासत का। एक रंग तो ये है कि रातों रात अब बिहार में सरकार बदलने जा रही है। कल तक एनडीए की सरकार थी, आज महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।